हेलो गाइस, माय नेम इज़ मुकेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी ले रहे हैं। ये टॉपिक आपको हर जगह काम में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको नोट्स बनाते रहना चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको बीच में कुछ कुछ एक्सरसाइजेज देता हूँ, मैं 2-3 लोगों को देख रहा हूँ लगातार, बीच में उन एक्सरसाइज को करके कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर रखते हैं। तो आज मैं नेक्स्ट 2 रूल के साथ उपस्थित हूँ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो वैसे तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों रूल्स को समझाऊं और एक्सरसाइज बताऊं उससे पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन। साथ में ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, आप उसको देखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूसरे चैनल का लिंक और अपनी एप्लीकेशन टाइटेनियम की अपना एक ऐप है उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड करें। उस पर भी बहुत इकोनॉमिकल रेट पर आपको कोर्सेज मिलेंगे उसको भी, और स्पोकन इंग्लिश की बुक भी आपको वहीं मिलेगी। किसी को यदि स्पोकन इंग्लिश की बुक परचेज करनी, 1 साल तक का हम सब्सक्रिप्शन देते हैं बहुत कम पैसे में, किफ़ायती दरों में, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 26। कई वाक्यों में सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन प्रपोजिशन के बाद होता है, ऐसे वाक्यों में वर्ब सिंगुलर लगती है। कुछ में प्रपोजिशन आता है, कैसे आता है, जैसे एग्जांपल से समझना, मैन आफ्टर मैन, तो ये जो नाउन है मैन, ये रिपीटेशन हो रहा है प्रपोजिशन की बाद में। तो जब रिपीटेशन होता है तो वहां पे वर्ब सिंगुलर आता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वहां पे प्लूरल आना चाहिए। अब ऐसी छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं वही एग्जाम में लोगों को डिस्टर्ब करती हैं और बोलने में, रिटन इंग्लिश में दिक्कत करती हैं। वो सोचते हैं मैन आफ्टर मैन प्लूरल है तो वो यहाँ वर्ब लगा देते हैं, बट दैट विल बी रॉन्ग स्टूडेंट। यही आएगा, मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग देयर, जैसे पार्टी में एक के बाद दूसरे, एक आदमी के बाद दूसरा आदमी आते ही जा रहे थे, हम बोलते हैं ना, तो मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग देयर, तो यहाँ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब नहीं आएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मंथ आफ्टर मंथ, वन मंथ आफ्टर अनादर हैज पास्ड, एक महीने के बाद दूसरा महीना निकल गया, तो वन मंथ आफ्टर अनादर यूज कर रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं दो आ रहा है तो हैव आ जाएगा, हैव नहीं, वर्ब हैज ही आएगा, राइट। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन, ये सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन और प्रपोजिशन के बाद होता है तो वर्ब सिंगुलर लगती है। अब आपके लिए मैं कॉमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस दे रहा हूँ, शिप आफ्टर शिप डैश 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 अराइविंग रेगुलरली, माना कि कोई पोर्ट है, कोई बंदरगाह है, तो हम बोलते हैं ना एक के बाद एक शिप आ रहे हैं, मतलब जहाज आ रहे हैं, तो क्या आएगा, शिप आफ्टर शिप, यहाँ पे इज एम आर में से क्या आएगा, रेगुलरली, ये आपको कमेंट बॉक्स में रखना है। वैसे तो बहुत इजी है दो एग्जांपल पढ़ने के बाद, फिर भी इससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है। ही बैग्स फ्रॉम डोर टू डोर, वो डोर टू डोर क्या करता है, भीख मांगता है, तो ही बैग्स आएगा यूनिट डोर टू डोर, ये तो वैसे ही अंडरस्टूड है, ही आ रहा तो एस सी एस लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, है ना। आपको पहले बताया था जब पढ़ाया था वर्ब क्या, वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, सिंगुलर हमने बनाना पड़ता है, प्रेजेंट टेंस में वो काम में आती है, राइट। तो ये फर्स्ट, आज का फर्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल नंबर 27, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सुनिएगा। कुछ नाउन जो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन ऐसे जो कि दिखने में भी प्लूरल होते हैं, होते भी प्लूरल हैं, दो भागों के बने होते हैं, जिसके दो भाग, जैसे सीजर्स हैं, तो सीजर्स में आप देखा होगा दो से मिलकर वो बनता है, तो सीजर्स अपने आप में दिखने में भी प्लूरल हैं, उसका जो वर्ड है सीजर्स, वो सीजर्स ही काम में आता, सीजर काम में नहीं आता है, राइट। तो ऐसे ऐसे में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल दे रखा, सीजर्स, पैंट्स होता, पैंट नहीं होता, आपने कहा दो होती उसके पैंट्स के, ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता है ना। नेक्स्ट बिनोक्युलर्स, बिनोक्युलर्स को बोलते हैं, दूरबीन को बोलते हैं, तो उसके अंदर भी देखा होगा दो होते हैं। नेक्स्ट टोंग्स, चिमटा होता है, उसके अंदर भी दो होते हैं। तो ऐसे सारे चीज, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स के अंदर भी दो है, आप देख लीजिए, है ना। तो जिसके अंदर दो हैं, शॉर्ट्स आप जानते हो, ब्रीचेस, ब्रीचेस जानते हो ना, इस प्रकार का, जैसे घुड़सवारी में और पर्वतारोही में एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का पतलून कह सकते हो जो घुटने तक पहना जाता है, उसको ब्रीचेस कहते हैं। शूज, स्कैल्स, ग्लासेस, गॉगल्स, है ना। तो ये सब सब में आपको दिखने में भी प्लूरल लग रहे हैं, और एक्चुअल में ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। मैंने एग्जांपल दिया था गॉगल्स का, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ स्पैक्स का, इसमें दो से मिलकर बना हुआ है, तो ये अपने आप में प्लूरल होता है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, क्लियर। सिंगुलर का यदि प्रयोग करना है तो इसका मैं तरीका लास्ट में बता रहा हूँ, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे शूज़ नए हैं, तो माई शूज़ आर न्यू, तो शूज़ के साथ आर ही आएगा, राइट। अब पेयर ऑफ शूज़ की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अपने आप में यही आएगा। नेक्स्ट
सीजर्स आर ब्लंट, ओह माय गॉड, ये सीजर्स बहुत ब्लंट हैं, है ना, हाथ कट जाएंगे, हाथ मत लगाओ. तो सीजर्स के बाद आर आएगा, है ना, इज नहीं आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. हाँ, इसके अंदर जो दूसरा एक्सेप्शन है वो यदि इनके साथ चंपत का प्रयोग किया जाए. चंपत क्या होता है, जैसे मैं बता रहा ना, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगते हैं. क्यों? क्योंकि वो फिर सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है. जैसे ओनली अ पेयर ऑफ शू इज रिक्वायर्ड, सिर्फ एक जूते की जोड़ी की आवश्यकता है, तो ओनली अ पेयर ऑफ शू. अब ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इस वर्ब सिंगुलर आएगी, राइट. अब सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपके लिए छोड़ा है, अ पेयर ऑफ सीजर डैश 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 परचेज बाय मी. कल मैं मार्केट गया था, एक एक जो जोड़ा है किसका, कैंची का, वो खरीदा गया. कल की बात है तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज वर में से, अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज परचेज या अ पेयर ऑफ सीजर्स वर परचेज यस्टरडे बाय मी. तो क्या आएगा, ये आपके लिए दो सेंटेंस मैंने दिए ऊपर, और ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में रखना है. तो ये थे बहुत इजी, लेकिन फिर भी हम बारीकी से जब ग्रामर को पढ़ते हैं, अच्छा ये सिर्फ इंटरेस्ट वाले पढ़ते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आएंगे फटाफट स्किप करके थोड़ा सा वीडियो देखेंगे. जिसको जुनून है लर्न करने का, जिसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, वो हमेशा वीडियो को पूरा देखते हैं और नोट्स लिखते हैं, और साथ में जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करके कॉमेंट बॉक्स में भी रखते हैं. खैर, आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है. हर प्रकार का लर्नर है यूट्यूब पर, कोई फनी वीडियो देखने वाले भी हैं, कोई लर्निंग वीडियो देखने वाले भी हैं. जो लर्न करने, जिसको सीखने का जुनून होता है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर टिकते हैं. गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, जो स्पोकन इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट थी जिसको मैंने प्राइवेट कर रखा था, आप उस पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं. वो वीडियोस भी मैंने ओपन कर दिए सबके लिए. गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूं, ईश्वर ने इतना दिया तो आप जितना दे सकते हैं. कुछ पैड कॉन्टेंट है वो हमारे एप्लीकेशन पर चलते रहेंगे, वो भी किफायती दरों पर, लेकिन जो लोग पे नहीं कर पाते उनके लिए यूट्यूब पर हम ये फ्री कॉन्टेंट दे रहे हैं. इट्स इनफ गाइस, मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, अदरवाइज इट्स इनफ. I'll be right back in the next video. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.